स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम शिव जी के बारे में 3 रेलेवेंट रहस्य एक्सप्लोर करेंगे। तो देर किस बात की, चलो शेयर करें। एंशिएंट संस्कृत वर्ड्स नोन एज महामृत्युंजय मंत्र भगवान शंकर जी को समर्पित करते हैं, द डिस्ट्रॉयर इन द होली हिंदू ट्रिनिटी। चैप्टर 1, मेडिटेशन इज लॉर्ड शिवा। भगवान शंकर जी हमेशा समाधि में रहते हैं, यानी कि भगवान शंकर जी हमेशा मेडिटेशन करते हुए रहते हैं और लंबी समाधि में रहते हैं। मेडिटेशन इज अ प्रॉपर जॉब, लाइक प्रोनाउंसिंग दोज वर्ड्स। एक बार भगवान शंकर जी ने बोला, चलो मैं 1 वर्ष की समाधि लेकर बैठता हूँ, 1 साल की मेडिटेशन। वो सबसे बड़े है जो इस तरह कॉन्सेंट्रेशन के साथ मेडिटेशन करते हैं। This level of meditation is unparalleled, symbolizing Shiv Ji's immense spiritual power. अगर आप उनका ही नाम जाप करेंगे तो obviously वह आपकी मदद जरूर करेंगे। Chapter 2, Miracle Mandir of Lord Shiva। हमारे सनातन ज्ञान को साइंस भी चुनौती नहीं दे पाएगी। एग्जाम्पल के तौर में सदर्न लैंड्स ऑफ इंडिया में डिस्ट्रिक्ट ऑफ तंजावुर तमिलनाडु में एक मंदिर है, उसका नाम बृहदेश्वर टेंपल। और यह मंदिर इतना अमेजिंग है कि पूछो ही मत। यह एक शिव जी का मंदिर है। इस मंदिर में कई रहस्यमय बातें हैं। पहले तो यह मंदिर नींव से बनाई गई है, मतलब डायरेक्ट जमीन से स्टार्ट कर दी गई है। और पूरे मंदिर को बनाने के लिए ग्रैनाइट यूज किया गया है, वो भी थोड़ी बहुत नहीं, 1,30,000 टन ग्रैनाइट यूज की गई है। इससे ज्यादा शॉकिंग करने वाली बात है कि कहीं भी ग्रैनाइट मिलती ही नहीं है। दूसरी बात है कि यह मंदिर 15 मंजिल ऊंचा है। क्या आप सोच भी सकते हो, जिसको बनाने के लिए ना किसी ग्लू या सीमेंट यूज किया गया है, सिर्फ पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर पजल की तरह बनाया गया है। आज तक कड़ा है, 2004 की सुनामी झेल चुका है, भूकंप भी झेल चुका है, पर टस से मस नहीं हुआ। तीसरी बात तो और चौंका देने वाली है, पूरे मंदिर के ऊपर 800 किलो का पत्थर रखा गया है। उसने ना कोई क्रेन या मशीन थी, पर कैसे रखी होगी उन्होंने। Overcoming darkness with Lord Shiva. The story of Lord Shiva is lesson in itself. भगवान शिव जी हमें सिखाते हैं कि लाइट या शिव जी हमें स्ट्रगल के बाद ही मिलते हैं। हाँ, एक यूनिवर्स का नियम है कि ग्रेटर अचीवमेंट्स आर बॉर्न आफ्टर स्ट्रगल्स। अंधेरे के बाद ही उजाला होता है, इसी तरह बहुत सारे कठिन तप के बाद ही शिव जी हमें मिलते हैं। ड्यूरिंग द चर्निंग ऑफ द वाटर्स, समुद्र मंथन के समय जब देव और असुर दोनों नेक्टर ऑफ इमोर्टैलिटी यानी कि अमृत के लिए लड़ रहे थे, तब अमृत के साथ साथ एक डेडली पॉइजन भी आया जिसका नाम था हलाहल। ये इतनी ताकत रखता था कि पूरे दुनिया को कहा जा सकता था अगर भगवान शिव जी नहीं होते तो क्या होता, पर भगवान शिव जी ने उस हलाहल विष को पी लिया और हमें प्रोटेक्ट किया। ही डिड नॉट लेट द डार्कनेस ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड बट हेल्ड इट इन हिमसेल्फ। यह दृश्य हम सबको सिखाता है कि हम सब में यह ताकत है, अंधेरे को हराकर उजाले को ढूंढ सकते हैं हम। कंक्लूजन में शिव जी हमें सिखाते हैं कि मेडिटेशन की शक्ति, द स्ट्रेंथ इन द स्ट्रगल, वह शक्ति जो अंधेरे को उज्ज्वल में बदल सकता है, और पोटेंशियल एंगर व्हेन इट इज यूज्ड कंस्ट्रक्टिवली। दिस लेसन्स आर नॉट जस्ट स्पिरिचुअल टीचिंग्स बट ऑल्सो द प्रैक्टिकल एडवाइसेस दैट आर फाउंड इन आवर डेली लाइव्स। ऑल मैनिफेस्टेशन ऑफ लाइट और डार्कनेस इज नथिंग बट द एब्सेंस ऑफ लाइट, यानी कि डार्कनेस कुछ और नहीं, एब्सेंस ऑफ लाइट है। वी ऑल जर्नी टू लर्न द इनर शिवा एंड लीड अ लाइफ ऑफ एनलाइटमेंट एंड विजडम। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक,
share and subscribe to my channel and press the bell icon for more informative content. Until next time, keep watching my channel. Har Har.